अफ्रीका को पराजित कर टीम इंडिया सेमीफाइनल के दरवाजे में दस्तक दे चुकी थी। दहन के अग्नि में दहक रहे उस भारत की दहाड़ अब संपूर्ण विश्व सुन रहा था। चाहे युवा युवराज का वो राज हो या फिर माही की वो कप्तानी, टीम इंडिया का हर प्लेयर अफ्रीका की धरती में अपना सर्वस्व निछावर करने को तैयार था। उधर दहन की आग भारत एक उम्मीद में बदल चुका था। एक बार फिर से संपूर्ण भारत कप के दीदार में पलके बिछा कर बैठा था। माही की कप्तानी वाली टीम इंडिया अब सेमीफाइनल में प्रवेश कर चुकी थी। सेमीफाइनल के इस रण में टीम इंडिया का सामना अपराजित अजेय ऑस्ट्रेलिया से था। लगातार तीन बार तीन वर्ल्ड कप जीतने वाले कंगारू और कंगारुओं का वो घमंड उनके सर चढ़कर बोल रहा था। उनकी ये वॉक, उनकी ये टॉक, उनके डोमिनेंस की कहानी को बयां कर रहा था। कंगारू अफ्रीका की धरती में एक बार फिर से अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहते थे। वो विश्व क्रिकेट को बताना चाहते थे कि क्रिकेट का कोई भी फॉर्मेट हो, राज तो हमेशा कंगारुओं का ही होगा। इस मैच से पहले क्रिकेट पंडितों में एक अलग ही वार का प्रहार प्रारंभ हो जाता है। मैच से पहले क्रिकेट का हर बड़ा विशेषज्ञ टीम इंडिया के हार की भविष्यवाणी कर रहा था, और इस भविष्यवाणी की वजह थे कंगारुओं का ये वर्चस्व, कंगारुओं का ये कत्लेआम। अंडरडॉग से सेमीफाइनल तक का रास्ता तय कर चुके भारत पर किसी भी क्रिकेट विशेषज्ञ को यकीन नहीं था। ऐसे में ये भारत दहन की अग्नि में दहल रहा था। ये भारत ना तो 2003 का वो फाइनल भूला था और ना ही 2007 का वो अपमान। उसकी वो यादें उस दिन भी ताजा थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द डॉक्यूमेंट्री की स्पेशल सीरीज दहन का स्पेशल एपिसोड द राज ऑफ युवराज। मैदान पर दोनों टीमों के कप्तान अब एक दूसरे के आमने सामने थे। एक के चेहरे में घमंड था तो दूसरे के चेहरे में स्वाभिमान। एक ये वर्ल्ड कप सिर्फ शौक के लिए जीतना चाहता था, दूसरा ये वर्ल्ड कप अपने वतन के लिए जीतना चाहता था। सिक्का मैदान पर उछाला जाता है। टॉस जीतकर कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने पहले बल्लेबाजी करने का डिसीजन लिया। टीम इंडिया में सिर्फ एक बदलाव था, डीके की जगह युवा युवराज अब वापसी कर चुके थे। वहीं कंगारुओं की फौज में कोई बदलाव नहीं था। अब सबकी उम्मीदें गंभीर और सहवाग से थी। गंभीर ने इस चौके के साथ अपना खाता खोला, लेकिन इस चौके के बाद अगली 17 गेंदों में टीम इंडिया महज 6 रन बना पाती है और 3 ओवर खत्म होने तक टीम इंडिया के खाते में सिर्फ और सिर्फ 10 रन थे। कंगारू गेंदबाजों का ये डोमिनेंस टीम इंडिया के हार की वजह बन सकता था। ऐसे में गंभीर ने टीम इंडिया के लिए रन गति बढ़ाने का प्रयास किया और इस प्रयास में उन्होंने चौथे ओवर में बैक टू बैक दो चौके लगाए, लेकिन वीरेंद्र का बल्ला अभी भी खामोश था। 5 ओवर का खेल खत्म हो चुका था। टीम इंडिया के खाते में मैच 26 रन थे। गंभीर और वीरेंद्र टीम इंडिया को विस्फोटक शुरुआत देने में नाकामयाब रहे। 6वें ओवर में मिचेल जॉनसन की इस बॉल ने सहवाग का सपना तोड़ दिया। पावर प्ले का खेल खत्म हो चुका था। टीम इंडिया के खाते में मैच 36 रन थे और टीम इंडिया ने अपने विस्फोटक ओपनर वीरेंद्र सहवाग को खो दिया था। 8वें ओवर में एक बार फिर से जॉनसन ने गंभीर को अपना शिकार बना लिया। टीम इंडिया बैक टू बैक अपने 2 बड़े विकेट खो चुकी थी। जॉनसन नाम का कहर टीम इंडिया पर अब हावी था। ऐसी विकट परिस्थितियों में कंगारुओं की ये उछल कूद उनके डोमिनेंस की कहानी को बयां कर रहा था। टीम इंडिया विकट परिस्थितियों में फंस चुकी थी। ना तो टीम इंडिया को विस्फोटक शुरुआत मिली थी और ना ही एक सदी हुई शुरुआत। ऐसे हालात में टीम इंडिया का संकट मोचन युवा युवराज सिंह मैदान पर थे। मैदान के चारों तरफ शोर था। इस दबाव की घड़ी में युवा युवराज के ये शॉट उनके बेबाक अंदाज की गवाही दे रहा था। अब 10 ओवर का खेल खत्म हो चुका था। टीम इंडिया के खाते में 2 विकेट और सिर्फ 60 रन थे। अब अगली 60 गेंदों का खेल बाकी था। ऐसे में उथप्पा और युवराज की जोड़ी अब कंगारुओं पर पलटवार करने के लिए तैयार थी। दोनों ने रणनीति के मुताबिक 11वें ओवर में एंड्रू साइमंड को 19 रन कूट दिए। युवराज के इरादे तो साफ थे, जितना हो सके उससे कहीं ज्यादा कूटो। उथप्पा और युवराज ने टीम इंडिया के रनगति को तीव्र गति से आगे बढ़ाया। इन दोनों बल्लेबाजों ने अगली 24 गेंदों में कंगारुओं से 53 रन बटोर लिए। टीम इंडिया के खाते में 113 रन थे। अब अगली 36 गेंदों का खेल बाकी था। 15वें ओवर के शुरुआती 2 गेंदों में राविन उथप्पा ने मिचेल जॉनसन को बैक टू बैक 2 बड़े शॉट लगाए, लेकिन तीसरी बॉल पर एक गलती और राविन उथप्पा रन आउट हो जाते हैं। राविन का रन आउट होना टीम इंडिया की उम्मीदों में एक बड़ा झटका था। एक अच्छी खासी विस्फोटक जोड़ी अब टूट चुकी थी। अब इन्हीं हालातों में टीम इंडिया का कप्तान स्वयं मैदान पर था। इस बार कंगारुओं के सामने टीम इंडिया को संभालने नहीं
बल्कि टीम इंडिया के विजय रथ को आगे बढ़ाने के लिए। कंगारुओ ने उथप्पा के जाने के बाद रनगति में विराम लगाने का प्रयास किया, परंतु माही और युवराज के सामने कंगारुओं का आभार दाव बेकार था। 17 ओवर का गेम खत्म हो चुका था। टीम इंडिया 148 रन पर अपने 3 विकेट खो चुकी थी। अब अगली 18 गेंदों में टीम इंडिया का भविष्य था। युवराज सिंह उस दिन कंगारुओं के लिए एक तूफान बन चुके थे, एक ऐसा तूफान जिसकी आंधी में कंगारू गेंदबाज उड़ रहे थे। युवराज ने महज 20 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। 18वें ओवर की दूसरी बॉल पर युवा युवराज के पारी का अंत हुआ। माही ने रोहित के साथ मिल करके टीम इंडिया के पारी को आगे बढ़ाया और टीम इंडिया के स्कोर 120 गेंदों में 188 रनों तक पहुंचा दिया। युवा युवराज ने महज 30 गेंदों में कंगारू गेंदबाजों के होश उड़ा दिए। उन्होंने 5 चौके और 5 छक्के की मदद से 70 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली। कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने भी 18 गेंदों में 36 रन बनाए। ये रहा टीम इंडिया का स्कोर कार्ड और ये रहा कंगारू गेंदबाजों का स्कोर कार्ड। कंगारुओं के सामने 120 गेंदों में 189 रनों की चुनौती थी। घमंड में चूर कंगारू इस लक्ष्य को अचीव कर अफ्रीका की धरती में अपने अथाह पराक्रम का प्रदर्शन करना चाहते थे, परंतु उस कप्तान के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। कंगारुओं की पारी की शुरुआत एडम गिलक्रिस्ट और मैथ्यू हेडन कर रहे थे। ये दोनों बल्लेबाज प्रारंभ से ही टीम इंडिया के गेंदबाजों को बैकफुट में रखना चाहते थे, परंतु आरपी सिंह और श्री संत ने उनके मंसूबों में पानी फेर दिया। इन दोनों गेंदबाजों के शानदार गेंदबाजी की बदौलत कंगारुओं के खाते में 30 गेंदों पर 36 रन थे। 6वें ओवर की पहली बॉल पर श्री संत ने एडम गिलक्रिस्ट को चारों खाने चित कर दिया। गिलक्रिस्ट का ये विकेट टीम इंडिया के लिए राहत की एक सांस था, लेकिन कंगारुओं के लिए मैथ्यू नाम का तूफान अभी भी क्रिस्ट पर मौजूद था। मैथ्यू ने 8वें ओवर पर जोगिंदर शर्मा को अपना शिकार बनाया और जोगिंदर के उस ओवर पर 18 रन कूट दिए। कंगारुओं का अब स्कोर 8 ओवर में 64 रन था। हेडन के विस्फोट के बाद माही ने पठान को एक्शन पर उतारा और इरफान पठान ने ब्रैड हॉक के मंसूबों में पानी फेर दिया। कंगारू बल्लेबाज एक के बाद एक आउट हो रहे थे, लेकिन एक के जाने के बाद दूसरा उससे बेहतरीन बल्लेबाज मैदान पर आ जाता था। मैथ्यू हेडन ने साइमन के साथ मिल करके टीम इंडिया के गेंदबाजों पर अपना प्रहार जारी रखा। 12 ओवर का खेल खत्म हो चुका था। कंगारुओं के खाते में 100 रन थे। 13वें ओवर पर माही ने एक दाव खेला, लेकिन माही का ये दाव पूरी तरह विफल हो गया। इस ओवर पर हेडन ने वीरेंद्र सहवाग को 20 रन कूट दिए। माही का ये मास्टर स्ट्रोक कंगारुओं के लिए एक दावत सिद्ध हुआ। अब 14 ओवर का खेल खत्म हो चुका था। कंगारुओं के खाते में 129 रन थे। करंट रन रेट रिक्वायर्ड रन रेट के करीब था। टीम इंडिया के लिए ये जीत अब मुश्किल नजर आ रही थी, क्योंकि कंगारुओं के पास विस्फोटक बल्लेबाजों की एक फौज थी और इन विस्फोटक बल्लेबाजों का सामना कर पाना इंडियन गेंदबाजों के लिए आसान नहीं था। ऐसे हालात में 2003 का वो दृश्य सबके सामने था। टीम इंडिया के गेंदबाजों में अब हाहाकार था। मैथ्यू नाम का वो तूफान तबाही बनकर टीम इंडिया पर टूट पड़ा था। फिर श्री संत की इस बॉल से तबाही मचा रहे उस तूफान का अंत हुआ। लेकिन हेडन के जाने के बाद साइमन ने वही रुख अपना लिया। परिस्थितियां वैसी बन चुकी थी कि एक के जाने के बाद दूसरे का खेल प्रारंभ हो चुका था। 96 गेंदों का खेल खत्म हो चुका था। कंगारुओं के खाते में 148 रन थे। टीम इंडिया को ये मैच बचाने के लिए अगली 24 गेंदों में 41 रन बचाने थे। मैच का कंट्रोल पूरी तरह कंगारू बल्लेबाजों के हाथ में था और उनके पास अभी भी 7 विकेट बाकी थे। ऐसी स्थिति में एक बार फिर से इरफान पठान ने टीम इंडिया की उम्मीदों को संभाला और एंड्रू साइमन को अपनी चतुराई से जवाब दिया। पठान का ये दाव साइमन पर भारी पड़ा। बड़े शॉट के प्रयास में साइमन खुद मैदान के बाहर थे। टीम इंडिया धीरे धीरे इस मैच पर वापसी कर रही थी, परंतु कप्तान धोनी के सामने अभी भी कई सारे सवाल थे। ना तो उनके पास अब कोई गेंदबाजी का विकल्प था। इरफान पठान के अब 4 ओवर पूरे कंप्लीट हो चुके थे। जोगिंदर ने महज 2 ओवर में 31 रन लुटा दिए थे। ऐसे में अगले ओवर के लिए माही ने हरभजन को आक्रमण पर बुलाया और इस ओवर की पहले ही बॉल पर हरभजन सिंह ने माइकल क्लार्क को अपना शिकार बना लिया। टीम इंडिया भी अब मैच में वापसी कर चुकी थी। कंगारुओं की पकड़ अब धीरे धीरे कमजोर पड़ती जा रही थी, क्योंकि ये मैच जीतने के लिए कंगारुओं को अगली 12 गेंदों में 27 रनों की जरूरत थी। ऐसे में आरपी सिंह ने 19वें ओवर को बेहद किफायती तरीके से खत्म किया। इस ओवर में आरपी सिंह ने मैच 5 रन खर्च किए। अब सिर्फ 6 गेंदों का खेल बाकी था और 22 रन बचाने थे। यहां से इस फाइनल की दूरी सिर्फ और सिर्फ 6 गेंदों के बीच की थी। अगर ये 6 गेंदें टीम इंडिया के हक में गिरी तो टीम इंडिया फाइनल खेलने वाली थी। अगर इन 6 गेंदों में कहानी कुछ और हुई तो संपूर्ण भारत के सपने का अंत होने वाला था।
आखिरी ओवर प्रारंभ होता है, महेंद्र ने जोगिंदर को आक्रमण पर उतारा। जोगिंदर के हाथ पर ये बॉल थी और इस बॉल के साथ संपूर्ण भारत की उम्मीद। जोगिंदर के शुरुआती दो बॉल आउट ऑफ स्टंप थी। तीसरी बॉल पर माइक हसी को अपना शिकार बना लिया और इस विकेट के साथ लगभग टीम इंडिया ये मैच जीत चुकी थी। पांचवी बॉल पर उन्होंने एक और विकेट लिया और इस विकेट के साथ कंगारुओं का वो घमंड अब ध्वस्त हो चुका था। कंगारुओं की वो बादशाह टीम इंडिया के सामने अब ध्वस्त हो चुकी। टीम इंडिया ये मैच अब 15 रनों से जीत चुकी थी। टीम इंडिया की ये विजय सदियों से चले आ रहे उस सूखे का अंत बनने वाली थी। अब संपूर्ण भारत इस जीत का जश्न मना रहा था। टीम इंडिया की ये जीत उस घाव का वो मरहम था जो कुछ दिन पहले मिला था। अंडर डॉग बन के आई वो टीम विश्व विजय के दरवाजे तक पहुंच चुकी थी। ऐसे में अब टीम इंडिया का सामना अपने पड़ोसी पाकिस्तान से था। तो सुनिए डॉक्यूमेंट्री का अगला एपिसोड हमारी आवाज हमारे अंदाज में।